तमाम इस टाइप के अकाउंट्स इन इन नंबरों के अंदर आने इसकी मिसाल इस तरह से है पूरा पाकिस्तान अगर आपको पता है जहाँ टेलीफोन की डायलिंग अलाउड है वो मुख्तलिफ नंबरों से स्टार्ट होती जिस तरह लाहौर ज़ीरो फोर टू पिंडी इस्लामाबाद ज़ीरो फाइव वन कराची ज़ीरो टू वन ये नंबरिंग स्कीम की क्यों ज़रूरत पड़ी ताकि हम पहले तीन डिजिट देखते ही तयन कर सकें कि ये कौन सा रीजन और इलाका है यही तरीक़ेकार हम चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ करते हैं हम उसके पहले तीन डिजिट देखते ही अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस कैटेगरी किस क्लास में फॉल कर रहा है ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं तमाम की तमाम क्लासिफिकेशन दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशंस ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट विद इन क्विक बुक्स आपके दस हज़ार की सीरीज में तमाम एसेट्स आते हैं एसेट्स क्या होते हैं उसकी हम डिटेल बाद में देखेंगे इसी तरह दो की सीरीज हमारी लाइबिलिटीज की है तीन इक्विटी चार रेवेन्यू और सेल्स पाँच कॉस्ट ऑफ गुड्स सिक्स एक्सपेंसेस एंड एट अदर एक्सपेंसेस इसके अंदर हमारा तमाम चार्ट ऑफ अकाउंट जो क्विक बुक से एसोसिएटेड है वो तमाम का तमाम मौजूद है और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है जैसे ही हमने अपनी कंपनी टाइप सेलेक्ट किया था क्विक बुक्स ने अपना एक चार्ट ऑफ अकाउंट हमारे साथ एसोसिएट कर दिया अब हमें वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स मिल गया है अब हम उसे बेहतर कर सकते हैं और अपने लिहाज से उसको तराश खराश के इस्तेमाल के लायक बना सकते हैं आइए पहले हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये इतनी सारी चीज़ें जो मुश्किल मुश्किल लिख दी गई हैं इनका असल में मकसद क्या है सबसे पहले एसेट्स एसेट्स क्या होते हैं वो तमाम चीज़ें जो हमारी कंपनी ओन करती है इसमें आपके बैंक अकाउंट्स भी हो सकते हैं आपके पास मौजूद तमाम कैश भी हो सकता है आपकी गाड़ियाँ आपकी पूरी बिल्डिंग आपके जितने एसेट्स इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं ये तमाम के तमाम यहाँ लिस्टेड होते हैं और नंबर्ड होते हैं ताकि हमें ये अंदाज़ा हो सके कि हमारे पास इन तमाम के ऊपर कितना ख़र्चा आ चुका है कितने हमने पैसे इस पर बताए हैं और सबसे अहम हम अपने शेयर होल्डर्स को या स्टेक होल्डर्स को ये बता सकें कि हमारे पास इतने एसेट्स मौजूद हैं और हमारे पास एसेट्स हमारी लाइबिलिटी से ज़्यादा हैं इसलिए हमारा बिजनेस चलने के काबिल आगे चलते हैं अच्छा एसेट्स में कुछ शॉर्ट टर्म एसेट्स भी होते हैं कुछ लॉन्ग टर्म एसेट्स भी होते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स का भी जैसे आपको पता ही होगा शॉर्ट टर्म एसेट्स वो हैं जो हम फॉर कैश करवा सकते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स वो हैं जो कि हमें दो या तीन साल में इनकेशबल होंगे इनकी मिसालें बहुत सारी हैं मिसाल के तौर पे आपके पास बॉन्ड्स हैं आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं जो तीन साल से पहले इन नहीं हो सकते लेकिन ये तमाम चीज़ें वो हैं जिससे हमें फ़ौरी तौर पर पैसे मिल सकते हैं सेकेंड पार्ट है हमारा लाइबलिटीज़ का जैसे कि नाम से ही जाहिर है लाइबलिटीज़ वो चीज़ें हैं जो हमने लोगों को देनी हो सकता है किसी ने हमारे पास सिक्योरिटी रखवाई हो हो सकता है किसी ने हमें एडवांस दे दिया हो हो सकता है हमने किसी से कोई चीज़ परचेस की हो और अभी तक हमने उसके पैसे अदा ना किए ये तमाम चीजें हमारी लायबिलिटीज़, वाजिबुल अदा जो जो चीजें हमने लोगों को वापस करनी ये लायबिलिटीज़ का हिस्सा इसमें भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो सकती है और बहुत सारी ऐसी लायबिलिटीज भी हो सकती है जो हमने फौरी अदा करनी है मिसाल के तौर पे हर साल बल्कि हर महीने हमें टैक्स रिटर्न जमा करानी है सेल टैक्स की हर महीने हमने अपने एम्प्लॉज़ को सैलरी देनी है ये तमाम वो लायबिलिटीज़ हैं जो हमारे पास नोटेड रिकॉर्डेड एंड अकाउंटेड फॉर होनी चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इसके बगैर हमारी अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं होती अगर हमें नहीं पता हमारी लाइबलिटीज़ क्या है तो हम कभी भी तय नहीं कर सकते कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है लाइबिलिटीज आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग इज अ मस्ट ओनर्स इक्विटी ओनर्स इक्विटी ये है कि हमारे जो भी शेयर होल्डर्स हैं मालकान हैं उन्होंने इस बिजनेस में कितना पैसा लगाया हो सकता है उन्होंने अपने पास से पैसा लगाया हो सकता है उन्होंने लोन लेके पैसा लगाया हो सकता है उन्होंने बैंक से लोन लेके पैसा लगाया हो ले ये पैसा लगाया। लेकिन जितने जितने पैसे इन लोगों से लिए गए हैं उनका हिसाब रखना बहुत जरूरी है क्योंकि बाद में जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का वक्त आता है तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड होती है आपके उस शेयर में जो आपका इस कंपनी में है इसकी रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी और आपको खुद ही अंदाजा हो रहा होगा कि चार्ट अकाउंट में जब ये सारा रिकॉर्ड मौजूद होगा तभी आपका बिजनेस की सही शक्ल आपको दिखाई देगी अब हम देखना चाहते हैं कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो भी हम सर्विसेज या गुड्स या दोनों बेच रहे हैं क्या उसमें मुनाफा हो भी रहा है या नहीं रेवेन्यू हमारा ऑपरेटिंग रेवेन्यू हमारे तमाम उस सर्विसेज और गुड्स से मिलकर बनता है जो कि हम अपने क्लाइंट्स को कस्टमर्स को बेचते हैं इसमें गुड्स में कोई भी बनी हुई चीज़ हो सकती है जो दुकान पे, अपने स्टोर पे, अपनी बिल्डिंग में अपनी शॉप पे या अपने शोरूम पे हम रखते हैं और हमारी सर्विसेज, हमारी स्किल्स मिसाल के तौर पे अगर आप लॉयर हैं तो आप अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं और अगर आप आर्किटेक्ट हैं तब भी आप अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं हमारे बिजनेस में अगर आपको याद हो हमारा कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटीरियल सेल्स का बिजनेस था जिसमें हम बिल्डिंग मटीरियल भी बेच रहे थे और अपनी सर्विसेज एज कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर्स भी बेच रहे थे तो हमारे रेवेन्यू के दो जराए एक जिससे हम अपना तमाम माल या बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं और दो जिससे हम अपनी सर्विसेज या कंस्ट्रक्शन सर्विसेज बेचते हैं ये हमारा रेवेन्यू के दो ज़राए हैं इसके ऊपर ख़र्च होने वाले आने वाले सारे अखराज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहलाते हैं जैसे नाम से ही जाहिर है कि ये किस चीज़ की कीमत है ये उन तमाम चीज़ों की कीमत है जो हमने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर ख़र्च की है मिसाल इसकी ये है कि अगर हमने मटेरियल जिसमें सरिया सीमेंट ब्रिक्स ये तीनों चीज़ें शामिल हैं ये सेल की हैं तो यकीन हमने कहीं से ख़रीदी भी होंगी जहाँ से हमने खरीदी है वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है इसी तरह जब भी हमने उन्हें बेचा तो वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक तरफ रह गया और वो हमारी सेल्स रेवेन्यू में कन्वर्ट हो गया इन दोनों का डिफरेंस रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का डिफरेंस हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है और यही वो चीज़ है जिसके ऊपर हम अपनी पूरी अकाउंटिंग बेस करते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है अच्छा अगर हम सर्विसेज अपनी सेल कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे डायरेक्ट एम्प्लॉयज रखे हुए हैं इंप्लॉयिज कौन जो कंस्ट्रक्शन में हमारी मदद करते हैं उनकी तमाम सैलरियाँ हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आएगी। अगर आपको इस कंस्ट्रक्शन बिजनेस में अपनी सर्विसेज देने में सौ रुपए या एक्स अमाउंट खर्च होती है तो आपको रेवेन्यू एक्स प्लस एन रखना चाहिए ताकि आप अपना सारे अखराजा या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के बाद कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकें ठीक है तो ये है हमारा वो प्रिंसिपल जिसके तहत तमाम गोइंग कंसर्न तमाम बिजनेसेस अपने आप को रन करते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्ट कॉस्ट में नहीं आते या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में नहीं आते उसमें सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वो है जो ऑफिस को चलाने में उसकी देखभाल में उसकी मेंटेनेंस में खर्च होती है ये डायरेक्ट किसी प्रोजेक्ट को चार्ज नहीं की जाती इसी तरह से आपकी जितनी भी एडवरटाइजिंग की कैंपेन चलती हैं वो जनरली आपके तमाम अशिया जो आप सर्विसेज और गुड्स बेच रहे हैं उन तमाम के लिए होती है इसे भी हम एक किस्म का एक्सपेंस गर्दानते हैं लेकिन ये भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल नहीं होता और अगर हमारी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है तो उसका भी ताल्लुक डायरेक्ट हमारे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से नहीं है ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं अदर इनकम ऐसे हो सकती है कि आपने किसी और कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं अपने कंपनी के पैसों से उससे जो प्रॉफिट होगा वो आपकी अदर इनकम है अदर इनकम आपके नेचुरल रेवेन्यू के अलावा जितनी इनकम होगी वो सारी अदर इनकम कहलाएगी इसी तरह से आपके अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं और वो बहुत सारे एक्सपेंसेस इस तरह के होते हैं जिसमें आपके फाइनेंशियल चार्जेस कट गए जैसे आपके इंटरेस्ट पे पेबल बन गया जो भी चीज़ आपके पास से आपके बॉन्ड से आपके सर्टिफिकेट से कटेगी वो आपका एक्सपेंस होगा बार दफ़ा पड़े पड़े चीज़ें खराब हो जाती हैं ये पूरा की पूरी कीमत इसकी हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में नहीं डालते बल्कि हम लॉस में बुक करते हैं यह भी हमारा अदर एक्सपेंस कहलाएगा अच्छा अब आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था कि हमारा जो नंबरिंग सिस्टम है चार्ट ऑफ़ अकाउंट का वो हमारा चार से डिजिट सिंप्लीफिकेशन के लिए चार से छ डिजिट मोर देन सफिशिएंट होता है जिसमें हम अपने तमाम हेड्स जो हमने शुरू में डिफाइन किए थे वो आराम से फिट कर सकें इसी से हमारी तमाम रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल बुक्स जो हम क्वार्टरली uh, मंथली या सेमी एनुअली एनुअली बनाते हैं वो तमाम की तमाम इन्हीं रिकॉर्ड से इसी इंफॉर्मेशन के थ्रू बन जाती है लेकिन याद रहे चार्ट ऑफ अकाउंट एक ऐसी लिस्ट है जो कि हमारी मर्जी से एज एंड वन रिक्वायर्ड हम इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं और करते रहते हैं बहुत सारी कंपनियां एक प्रोडक्ट के बाद दूसरे प्रोडक्ट पे चली जाती हैं जब वो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे जाती हैं तो उसकी भी रिकॉर्ड कीपिंग चाहिए होती है इसका मतलब है एडिशनल कोड इन चार्ट ऑफ अकाउंट्स सो आर बेसिक थीम टूडे इज दैट चार्ट ऑफ अकाउंट प्रोवाइड्स यू द बेसिस एंड इज द कोर ऑफ ऑल अकाउंटिंग एंड बेस्ड ऑन चार्ट ऑफ अकाउंट आर अकाउंटिंग रिकॉर्ड कीपिंग इज डन एंड अकाउंट्स आर मेंटेन Thank you so much.